बेखौफ दबंगों ने सब्जी विक्रेता का तोड़ दिया हाथ। बांदा में एक सब्जी विक्रेता को सब्जी लगाने को लेकर के दबंगों ने दबंगई के बल पर पहले महिला व उसकी बेटी को मारा पीटा, जिसकी शिकायत पीड़िता के द्वारा संबंधित थाने में की गई और थाने से लौटते वक्त जब घटना को अंजाम देने वाले दबंगों को जानकारी हुई तो उक्त स्थान में पहुंचकर पीड़िता महिला के पति के दोनों हाथों को तोड़ दिया। यह आलम है दबंगई का। और तो और पीड़िता ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय आकर के बताया कि मेरे द्वारा दी गई तहरीर को दूसरे दिन पुलिस कर्मियों के द्वारा चेंज भी कर दिया गया, जिसकी शिकायत आज पीड़िता ने पुनः पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में की है। नाम है आपका? सुनीता। सुनीता कहाँ की रहने वाली हो? मटौन। क्या हुआ सुनीता, घटना क्या हुई? लगा रहे थे तो उसका लड़का या रज्जू को हमको गाली गुस्सा देने लगा। हमने कहा कि माँ से इसको समझा लो कि दारू पी के गाली गुस्सा दे रहा अच्छी बात नहीं है, बहू बिजन को दे रहा। तो उसकी माँ आई लुआ के और बाप आया तो हमको मारने लगा, बहन को दोनों को मार दिया। तो हम चले गए थाने, फिर थाने से आके फिर मेरे आदमी को मार दिया तो उसके हाथ दोनों टूट गए। तो हाथ टूट गए तो हम चले गए थाने, फिर चले गए तो हमने एप्लीकेशन लिखाया तो हमारा एप्लीकेशन बिल्कुल दूसरा लिखा के चेंज कर दिया। हम सुबह पहुँचे तो हमारा एप्लीकेशन चेंज कर दिया गया। हमने चारों वो लिखाया, कल्लू को, रज्जू को, बउआ को, बिटिया को नाम और उनकी माँ का नाम पूरा चेंज ही भी कर दिया। अच्छा, आपने सारे मारने वालों के नाम लिखाए थे, पुलिस ने इसके बाद भी तहरीर को जो है गैप करके दूसरा क्या लिख दिया, कुछ और लिख दिया? ये लिख दिया कि कल्लू भर ने मारा। अच्छा, मतलब तो कोई कार्रवाई पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक की कि नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की। कितने दिनों का घटना को? हमको 13 मई का था। 13 मई की हो गई तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, किसी को पकड़ा नहीं पुलिस ने? किसी को नहीं पकड़ा। तो आज कहाँ आई थी कप्तान साहब के पास? क्या क्या मांग के लिए आई थी? हमने कहा कि कोई सुनाई नहीं हो रही, हमने कहा कि तुम धीरे धरो, अभी हम कर रहे हैं। फोन किया तो उन्होंने कहा कि हम बता दिया है हम कर रहे हैं, अब डॉक्टरी जाएगी उधर महोबा, फिर महोबा से आएगी। ऐसे कह रहे हैं। आपको छेड़छाड़ भी किया उन लोगों ने आपके साथ? कितने लोग थे छेड़छाड़ करने में? बाप था, लड़का था, चारों पांच बने थे। ठीक। क्या नाम है तुम्हारा? सर राम प्रकाश नाम। राम प्रकाश कहाँ के रहने वाले हो? मटौन के। मटौन के रहने वाले। क्या हुआ राम प्रकाश, क्या बात हुई? सर ऐसा सजी इचौली तरह है, मटौन पर सजी सब्जी की दुकान थी, बच्चे बैठे हुए थे, बच्चों से रज्जू का लड़का सर कल्लू गुप्ता बच्चों से खा पी कर शराब पी कर जो है बच्चों से झगड़ा कर बैठा, लड़ाई गाली गलौज की इसने। मौके पर न होने के बावजूद सर जी आप जैसे लोग ने बीच बचाव किया, मैटर काफ़ी गहरा हो गया। पत्नी हमारी पहुंच गई थाना स्टाफ ने सूचना देने, बाद में मेरे को जानकारी हुआ तो मैं दुकान पर आया। आने पर सर जी मैं अपना सब्जी दुकान पर आके सब्जी बटोरने लगा, सब्जी मार के सगले फैला रखी थी इसने। पत्नी के न होने पर सर जी इसने जो है दाएं बाएं से आकर मेरे हाथ में डंडा चला दिया, सिर में चोट आ गई, कमर में चोट आ गई, दोनों हाथ टूट गए सर जी। कौन था ये मारने वाला? मारने वाला था सर जी कल्लू पुत्र रज्जू गुप्ता। अच्छा, थाने गए थे आप? थाने गए थे सर जी। क्या हुआ थाने में, कोई कार्रवाई वगैरह की? जी सर, 13 मई की घटना है सर जी, रात्रि 8:30 बजे पत्नी हमारी गई थाना स्टाफ में, वहाँ एप्लीकेशन दर्ज की। लेकिन सर बात यह है कि एप्लीकेशन देने के बावजूद सर जी हमारी बाद में एप्लीकेशन में परिवर्तन हुआ, हमें ऐसा महसूस हुआ सर जी कि एप्लीकेशन में परिवर्तन हुआ, क्योंकि चार लोगों का मैटर है मारपीट करने में सर जी, पत्नी को उसका बड़ा लड़का रहा कल्लू और औरत रही लड़की रही, और मेरे को मारने में स्वयं रज्जू रहा और उसके दोनों लड़के रहे कल्लू व बउआ। और सर जी इस तरीके से मेरे चार आदमियों ने मेरे साथ एक गलत व्यवहार किया। तो कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने? पत्नी की छेड़छाड़ की, कोई कार्रवाई नहीं की है? कार्रवाई किया सर जी, स्टाफ में गए, स्टाफ ने जो है हमको जिला अस्पताल में लेके हमारी डॉक्टरी कराई। लेकिन चलते बात ये सर कि डॉक्टरी रिपोर्ट हमारी आज तक अभी कोई डॉक्टरी रिपोर्ट नहीं आ पाई मौके पर। अच्छा, मतलब अभी कोई सही कार्रवाई नहीं की पुलिस ने? नहीं, सब स्वतंत्र है कार्रवाई उनके ऊपर अभी। पत्नी के साथ छेड़छाड़ भी की थी आपके? हाँ सर, पत्नी से ही झगड़ा हुआ था, लड़ाई झगड़ा खा पी कर इसी को मारपीट की थी। तो आज कहाँ आए थे पुलिस अधीक्षक कार्यालय? जी सर जी। किस लिए आए हुए थे? कार्रवाई के लिए। कार्रवाई के लिए जब क्या करे सर जी, एक महीने से होने जा रहा हमारी तो कोई डॉक्टरी रिपोर्ट आई, महोबा भेजने को हफ्तों से रखी है मटौन थाने पर सर।
मटौन थाने पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कह रहे तो मत महोबा जाएगी, महोबा से भेजेगी स्टाफ तब तो जाएगी, तब तो होकर आएगी। पड़ी है भर्रो में सर, क्या करें।